नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि हाँ मैं लाइव आके आपके आपको कुछ दिखाऊं अपनी साड़ी जो मैं बना रही हूँ कैसे बनाऊंगी। मैंने कभी लाइव किया नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कैसे करना क्या करना। बस मैंने सोचा है कि एक लाइव वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उसे मैं पोस्ट करूँगी, और जैसा है फिर इसका रिव्यू आता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट लाइव प्लान करूँगी। तो दोस्तों, ये मैंने घीचा तसर घीचा पे काम करना शुरू किया है। आप देख सकते हैं तसर घीचा को, तसर घीचा जो होता है ये अच्छा प्रीमियम क्वालिटी तसर घीचा है और इसे मैंने भागलपुर से मंगवाया हुआ है। ये ओरिजिनली झारखंड और भागलपुर में बनता है और मैंने वहीं से इसे मंगवाया था। तो इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आंचल और बॉडी में डिवाइड करना होगा, कितना बनाना है, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर लोग आंचल प्रीफर करते हैं तो पहले दोस्तों आप 1 मीटर जो टेलर वाला मीटर होता है इससे आप नाप के निकाल लें कि आपको कितना बनाना है आंचल। तो ये 1.5 मीटर होता है दोस्तों, तो मैंने इसे डिवाइड नाप के 1.25 मीटर आंचल निकाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं 1.25 मीटर से कुछ ज़्यादा ही है, ये इतना है 130। तो ये मैंने आंचल के लिए इतना निकाल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर डाल दिया जिससे कि आंचल और बॉडी साड़ी की अलग हो गई। जैसे अब ये मैंने सोच लिया 1.25 मीटर में आंचल बनाऊंगी और बाकी की साड़ी बनाऊंगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इधर मैंने कंटिन्यू यहाँ से मैंने बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया था और यहाँ से मैंने सेम बॉर्डर सेम पैटर्न लेकर मैं पूरी साड़ी जाऊँगी नीचे तक। ये मैं नीचे तक पूरा साड़ी में ऐसे इसी पैटर्न के साथ गई हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ से फिर से स्टार्ट किया इस पैटर्न के बाद का डिजाइन बनाने के लिए। ये ऊपर का डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सोच सकते हैं। मैंने एक फूल और एक चिड़िया लिया, मोर लिया। इसको बनाने के लिए क्योंकि ये सारा एक साथ एक सिमेट्री में बने, इसके लिए मैंने सिंपल जो मेरे यहाँ बच्चों के पेपर्स पड़े होते हैं मोटे वाले, बस मैंने ये लिया और इसमें मैंने एक फ्री हैंड ड्राइंग की इस साइज की, क्योंकि एक छोटे वाले साइज का हो रहा है ये साइज। इस साइज की मैंने एक फ्री हैंड ड्राइंग की, फिर उसको उस साइज में काट लिया। इसी तरह से मैंने एक चिड़िया की बॉडी तुरंत फ्री हैंड बनाया और उसको भी काट लिया। उसके बाद इसे बनाने के लिए मैंने इसे रखा, एक लाइन खींची और उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन शॉट में बनाती चली गई ताकि ये सेम सिमेट्री साइज हमें मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे पूरी बॉडी में डालने वाली हूँ। तो अभी मैंने पूरी नहीं डाली, यहीं तक डाला है, इसके बाद ये बचा हुआ है और ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। वो डिजाइन मोड़ और फूल यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद मैंने इधर आंचल का काम शुरू कर दिया है। आंचल के काम के लिए मैंने जो बॉर्डर मैंने उधर डाला था वही सेम मैंने इधर डाला है। ये हमारा दोनों तरफ सेम बॉर्डर मिल जाएगा, सेम बॉर्डर मिल रहा है और वही मैंने सेम यहाँ भी डाला है। और जो डिजाइन मैं पूरी साड़ी के बॉर्डर में डालने वाली हूँ फूल और मोड़ की, वो मैंने यहाँ पर एक लाइन डाला। उसके बाद मैं अपने उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही हूँ जो भी डिजाइन सूट कर रहा है मुझे। और अब मैं जो मेन इसका जो मोटिफ और आई मीन जो डिजाइन में हटाना चाहती हूँ वो अब मैं अभी डालूँगी, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने क्या डाला है डिजाइन। अब मैं ये बता रही हूँ कि इसको मैंने बनाया कैसे, ठीक है। इसके लिए मैंने ये ब्लैक टू नंबर ब्लैक मैंने फेविक्राइल एक्रेलिक कलर ब्लैक 2 लिया है
और इसे मैंने छोटे बॉटल में ले लिया, ये बड़े बॉटल से मैंने इसे सेम छोटे बॉटल में ले लिया और इसको इसके साथ मैंने ये डबल ज़ीरो ब्रश लिया, सिंथेटिक ब्रश ये लिया है। एक आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, एक पेंसिल आप अपने अकॉर्डिंग लिए रख सकते हैं, मुझे तो ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने लिए पेंसिल देख सकते हैं। नापने के लिए एक आपको इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपने कटिंग की है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बॉर्डर के लिए मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी वाली ब्रश ली है, ये 1 नंबर ब्रश है, ये मैंने ये बॉर्डर के लिए लिया है। बॉर्डर थोड़ा सा मोटा होता है, चमक चमकीला होता है और ज़्यादा अच्छा दिखता है, मुझे अच्छा दिखता है, तो मैंने वही लिया है। तो आप कहेंगे तो मैं उल्टा बता रही हूँ, पहले मैंने डिज़ाइन दिखा दिया उसके बाद में कलर और ब्रश और ये दिखा रही हूँ आपको। तो दोस्तों अभी इतना ही काम मैंने किया है, जो आंचल में मैंने अभी वही डेढ़ बित्ता काम किया है और बॉर्डर काम किया है। अब अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेलिंग और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी उसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट करके बताऊंगी कि मैंने कैसे कलर इसमें फिल किया और क्या डिज़ाइन डाला है। फ़िलहाल इतना डिज़ाइन मेरा बन चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टाटा।